Hello everybody and a very very warm and pleasant welcome to your English buddy. दोस्तों English language एक rich यानी समृद्ध language है. इसकी उत्पत्ति अर्थात origin वैसे तो ग्रीक भाषा से हुआ है, पर इस पर ग्रीक के अलावा लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, स्पैनिश, हिब्रू और यहाँ तक कि हिंदी, उर्दू, अरबिक, पर्शियन, मैंडरिन और दुनिया की लगभग सभी भाषाओं का गहरा प्रभाव है। आज के सेशन में आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ इंग्लिश में प्रयुक्त होने वाले डिफरेंट तरह के वर्ड्स। सो लेट्स बिगिन। इंग्लिश में जो तरह तरह के वर्ड्स प्रयोग में लाए जाते हैं, एक संक्षिप्त उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले होमोफोन्स, दूसरा वर्ड है होमोनिम्स, तीसरा होमोग्राफ्स, फोर्थ हेट्रोनिम्स, फिफ्थ पैरोनिम्स, सिक्स्थ एक्रोनिम्स, सेवेंथ सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सबसे पहले नजर डालते हैं सबसे पहले प्रकार पर, होमोफोन्स, जिन्हें हिंदी में समस्वर किंतु भिन्नार्थक भी कहते हैं। टू और मोर वर्ड्स विच हैव द सेम साउंड, दैट इज प्रोनंसिएशन, बट डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोफोन्स। होमो शब्द का अर्थ होता है सेम, मतलब एक समान, एंड फोन का मतलब होता है साउंड यानी ध्वनि। तो जिन शब्दों की ध्वनि यानी साउंड एक समान होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग्स अलग होती हैं और उनके स्पेलिंग्स भी अलग होते हैं, उन्हें होमोफोन्स कहते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। सेंट, एस सी ई एन टी, सेंट, जिसका मतलब होता है स्मेल यानी गंध। C-E-N-T, सेंट, यूनिट ऑफ मनी, ये मुद्रा की इकाई है। S-E-N-T, सेंट, जो कि सेंड वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल यानी सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स होते हैं। तीनों के उच्चारण एक से हैं, पर आप देख सकते हैं स्पेलिंग्स और मीनिंग्स तीनों के अलग हैं। ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज पीस एंड पीस, P-E-A-C-E, पीस, जिसका अर्थ होता है शांति या अमन, एंड P-I-E-C-E, पीस का मतलब होता है किसी चीज का टुकड़ा या खंड। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है सेल, S-A-I-L, सेल, सेल का मतलब किसी नौका या जलयान से यात्रा करने को सेल कहते हैं, एंड एस ए एल ई, सेल का मतलब होता है बिक्री। ठीक ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है ग्रेट एंड ग्रेट, जी आर ई ए टी, पहले ग्रेट का मतलब आप सब जानते हैं भव्य, बड़ा या महान, और जो दूसरा जी आर ए टी ई ग्रेट है इसका मतलब होता है किसी लोहे की जाली। दोनों के प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन आप देख सकते हैं कि स्पेलिंग्स और मीनिंग्स बिल्कुल डिफरेंट। लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टाइप, होमोनिम्स, हिंदी में इसे समनाम किंतु भिन्नार्थक कहते हैं। टू और मोर वर्ड्स हैविंग द सेम साउंड एंड सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स आर कॉल्ड होमोनिम्स। होमो मीन्स सेम एंड ओनोमा या ओनोमा मीन्स नेम, अर्थात ऐसे शब्द जो दो से या दो से ज्यादा शब्द जिनकी ध्वनि भी एक समान होती है, स्पेलिंग्स भी एक समान होती है लेकिन मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल्स, पेन, P-E-N, पेन, बहुत ही कॉमन सा शब्द है P-E-N, पेन, विच मीन्स एन एनक्लोजर फॉर एनिमल्स, जानवरों को रखने के लिए बनाया गया बाड़ा या घेरा पेन कहलाता है। ठीक वैसे ही दूसरा वर्ड है पीई एन, पेन, प्रोनंसिएशन सेम है, स्पेलिंग भी सेम है
लेकिन इस सेकंड पेन का मतलब होता है कलम या लेखनी, राइटिंग डिवाइस. सम मोर एग्जांपल्स, बैंड, BAND, बैंड, अ म्यूजिकल ग्रुप. संगीतकारों की टोली को बैंड कहते हैं. और ठीक वैसे ही BAND, बैंड का दूसरा मतलब होता है रिंग, कोई छल्ला या अंगूठी. लेट्स सी अनदर एग्जांपल, रॉक, ROCK. इसके भी तीन मीनिंग्स हो सकते हैं. रॉक किसी चट्टान यानी हार्ड स्टोन को कहते हैं. ठीक वैसे ही अ योनर ऑफ म्यूजिक, संगीत का एक योनर या प्रकार भी है रॉक. रॉक म्यूजिक आपने अक्सर सुना होगा. एंड रॉक का मतलब होता है शेक, तेजी से हिलना या डगमगाना. स्पेलिंग्स सबकी सेम. ठीक ऐसे एग्जांपल है काइंड, KIND, काइंड, विच मींस टाइप या सॉर्ट, प्रकार. और दूसरे काइंड का मतलब होता है जेनरस यानी कि उदार या दयालु. ठीक है एक और एग्जांपल देखते हैं, करंट, CURRENT. करंट मींस लेटेस्ट, अप टू डेट, बिल्कुल नवीनतम. और करंट का दूसरा मीनिंग है फ्लो ऑफ वाटर, जल के प्रवाह को, पानी के बहाव को भी करंट कहते हैं. आप देख सकते हैं कि ये एग्जांपल्स होमोनिम्स इसलिए हैं क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स भी सेम है, इनका प्रोनंसिएशन भी सेम है, लेकिन मीनिंग्स अलग अलग है. Let's move on to another type, which is called homograph. Sanlekhi kintu bhinnarthak. Each of two or more words having the same spellings, but not necessarily the same sound and having different meanings are called homographs. Homo means same and graph means writing. ऐसे शब्द जिनकी spellings एक जैसी होती है, लेकिन इनकी ध्वनि भिन्न भिन्न या अलग अलग हो सकती है और इनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं, उन्हें होमोग्राफ्स कहते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. फर्स्ट एग्जांपल इज BOW. BOW, बो, अ टाइप ऑफ नॉट, एक प्रकार की गठान को भी बो कहते हैं. और आपने अक्सर सुना होगा तीर कमान या तीर धनुष, वही वाला बो. और इसका एक प्रोनंसिएशन या उच्चारण होता है बाओ, जिसका मतलब है टू इंक्लाइन यानी झुकना, सामने की तरफ झुकना, उसे बाओ कहते हैं. तो वर्ड एक ही है BOW, लेकिन इसके प्रोनंसिएशन आप देख सकते हैं दो अलग अलग है. सेकेंड वर्ड इज MINUTE, मिनट, यूनिट ऑफ टाइम. और इसका दूसरा प्रोनंसिएशन है माइन्यूट. माइन्यूट मींस टाइनी, सूक्ष्म या बारीक. नेक्स्ट एग्जांपल इज ROW. इस शब्द के तीन अलग अलग प्रोनंसिएशन हो सकते हैं. ROW, रो, रो मींस लाइन, कतार या पंक्ति. इसी वर्ड को ROW को जब आप राव उच्चारण करते हैं तो ये एक नाउन बन जाता है जिसका अर्थ है आर्ग्यूमेंट. आर्ग्यूमेंट का मतलब बहस या वाद विवाद या किसी प्रकार की झड़प. और ठीक वैसे ही ROW, रो का मतलब होता है प्रोपेल अ बोट, नाव चलाने के लिए. नाव चलाने की जो प्रक्रिया है, पतवार की मदद से, चप्पू की मदद से जो नाव चलाई जाती है, उसे रो कहते हैं. और आप जानते हैं रोइंग एक काफी पॉपुलर स्पोर्ट भी है. So let's see the next example. WIND. इसके दो प्रोनंसिएशन होते हैं. विंड, जिसका मतलब होता है एयर या गैस, हवा. और जब इसका प्रोनंसिएशन वाइंड करते हैं तो इसका मतलब होता है टू ट्विस्ट, यानी कि किसी चीज को मरोड़ना या घुमाना. तो अब इसका उच्चारण हम करते हैं वाइंड. ऐसा ही एक और एग्जांपल इसी कैटेगरी में, WOUND. इसका एक प्रोनंसिएशन है वूंड. जब आपको कोई चोट लगती है तो वहां जो घाव हो जाता है या जख, उसे वूंड पढ़ेंगे.
एन इंजरी, इंजरी मीन्स घाव या जख्म। और जब इसे वाइंड के सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं तब ये पढ़ा जाता है वाउंड। तो डब्ल्यू ओ यू एन डी, इसके दो प्रोनंसिएशन है, वूंड एंड वाउंड, और ऐसे शब्दों को हम होमोग्राफ्स कहते हैं। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट कैटेगरी इज हेट्रोनिम्स। हिंदी में इसे विषम रूप या समलेखी कहते हैं। ईच ऑफ टू और मोर वर्ड्स विच हैव सेम स्पेलिंग्स बट डिफरेंट साउंड्स एंड मीनिंग्स। ये ऐसे शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग्स तो सेम है लेकिन इनकी ध्वनि या उच्चारण बिल्कुल अलग होता है और मीनिंग्स भी यानी अर्थ भी बिल्कुल अलग होते हैं। इन्हें हेट्रोनिम्स कहते हैं। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, डिफरेंट मीन्स अलग, एंड ओनोमा या ओनोमा मीन्स नेम। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सच वर्ड्स। फर्स्ट वर्ड इज लेड, लेड। जब आप इसे लीड पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है टू हेड और कमांड यानी नेतृत्व करना, और जब आप इसे लेड पढ़ेंगे तो ये एक धातु मेटल होती है। लेड, लेड एक धातु है जिसका प्रयोग बहुत सी चीजों में किया जाता है, उसे उस वक्त लेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम है लेकिन उच्चारण बिल्कुल अलग। नेक्स्ट वर्ड इज टीयर, टी ई ए आर। जब आप इसे टीयर पढ़ते हैं तो आंखों से जो गिरने वाला द्रव पदार्थ है जिसे आंसू कहा जाता है तब आप इसे टीयर पढ़ेंगे, जबकि टी ई ए आर का दूसरा उच्चारण जब टेयर करते हैं तो इसका अर्थ होता है कोई चीज फाड़ना या उसे उधेड़ देना, रिप और लेसरेट। अनदर वर्ड इन दिस कैटेगरी इज आर ई एस यू एम ई। अक्सर आपने देखा होगा कहीं जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अपना बायोडेटा बनाना पड़ता है, उस बायोडेटा को इंग्लिश में रिज्यूमे कहते हैं। लेकिन इसी वर्ड का एक और अर्थ होता है, एक और उच्चारण होता है जिसे रिज्यूम पढ़ते हैं, टू स्टार्ट अगेन। जैसे आपके स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियां होती हैं उसके बाद दोबारा जब स्कूल या कॉलेजेस खुलते हैं तो कहते हैं द स्कूल हैज रिज्यूम्ड। तो रिज्यूम और रिज्यूमे, इस वर्ड के दो आप प्रोनंसिएशन देख सकते हैं। एक बहुत ही कॉमन सा इंग्लिश वर्ड है जिसे आप डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, टी एच ई। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वर्ड इज इट हैज टू डिफरेंट प्रोनंसिएशन। टी एच ई, द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ऐसे शब्द जिनकी आरंभिक ध्वनि कोई व्यंजन हो तब उसको आप द पढ़ते हैं, और जब यही शब्द किसी वॉवल साउंड से शुरू होने वाले नाउन के सामने आता है तो इसे डी पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डी एलिफेंट, डी एरोप्लेन, डी एक्टर। लेकिन द प्यून, द बुक, द कॉलेज। एक बहुत ही कॉमन अक्सर सुना जाने वाला वर्ड्स है ए डबल डी आर ई डबल एस। इसके दो प्रोनंसिएशन हो सकते हैं, एड्रेस, अ पोस्टल एड्रेस। किसी पते या ठिकाने को आप जब इसको इस शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इसे एड्रेस पढ़ेंगे, ए डबल डी आर ई डबल एस, एड्रेस। लेकिन यही वर्ड जब हम किसी को संबोधित करते हैं, कोई बात कहते हैं, तो आप इसका उच्चारण करिए एड्रेस। दैट मीन्स टू स्पीक, द प्राइम मिनिस्टर विल एड्रेस द नेशन ऑन द ईव ऑफ द रिपब्लिक डे, एड्रेस। एक और वर्ड है इसी तरह का, ए बी यू एस ई। फर्स्ट प्रोनंसिएशन ऑफ दिस वर्ड इज एब्यूज, एब्यूज, विच मीन्स इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। किसी बुराई को, किसी गलत परंपरा को, जैसे ड्रग एब्यूज, चाइल्ड एब्यूज, तब इसे आप एब्यूज पढ़ेंगे। लेकिन जब गालियां बकने या अपशब्द कहने के लिए इसी शब्द का यूज करते हैं तब इसका प्रोनंसिएशन या उच्चारण हो जाता है अब्यूज। ही अब्यूजेस मी ऑल द टाइम, डोंट अब्यूज। सो रिमेंबर द वर्ड ए बी यू एस ई,
has two different meanings. Pronunciation. Similarly, another word is desert. D-E-S-E-R-T. इसके भी दो प्रोनंसिएशन होते हैं. D-E-S-E-R-T, desert, which means arid and dry area, जिसे आप हिंदी में मरुस्थल या मरुभूमि कहते हैं, तब इसका प्रोनंसिएशन desert. जबकि यही शब्द जब वर्ब के रूप में यूज होता है तब इसका प्रोनंसिएशन करेंगे desert, जिसका मतलब होता है abandon या leave, किसी चीज का त्याग करना. Next word in this category is paronyms. Paronyms, जिसका अर्थ होता है सम्मूलक. A word which is a derivative of another and has a related meaning. And the second meaning is a word formed by adaptation of a foreign word. ऐसा कोई शब्द जो किसी अन्य शब्द से उत्पन्न हुआ हो, या फिर ऐसा शब्द जिसको किसी विदेशी शब्द के अनुसार ढाल कर तैयार किया गया हो, उसे पैरानिम्स कहते हैं. पैरा मींस बिसाइड एंड ओन्यूमा मींस नेम. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. विजडम इज अ पैरानिम ऑफ वाइज. विजडम शब्द की उत्पत्ति वाइज से हुई है. ठीक उसी तरह चाइल्डिश एंड चिल्ड्रन आर पैरानिम्स ऑफ चाइल्ड. इसी तरह चाइल्ड से दो शब्द बने चाइल्डिश एंड चिल्ड्रन. Next example is industrial and industrious are paronyms of industry. तो ऐसे शब्दों को जिनकी उत्पत्ति दूसरे शब्दों से या विदेशी शब्दों से हुई है उन्हें paronyms कहते हैं. On to the next category, that is acronyms. आदि वर्णिक, हिंदी में इसे आदि वर्णिक कहते हैं. An abbreviation formed from the initial letters of the other words and pronounced as a word. बहुत बार हम अलग अलग शब्दों के आरंभिक अक्षर को लेकर उन अक्षरों से एक नया शब्द तैयार करते हैं और उसे एक पूरे नए शब्द के रूप में पढ़ते हैं, उसे एक्रोनिम्स कहते हैं. There are so many examples of it. Let's see. AAP, भारत में एक राजनीतिक दल है आम आदमी पार्टी, और इसका एक्रोनिम है AAP, आप. आप देख सकते हैं आम में से ए, आदमी में से ए और पार्टी में से पी लेकर इस नए शब्द का निर्माण हुआ है. लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एक्रोनिम इज नाटो. इसरो, हमारे देश का एक बहुत ही प्रचलित बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन इसरो. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन. नैम, NAM. लेजर, LASER, विच इज एन एक्रोनिम फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिम्युलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन. एंड फाइनली ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये सारे एग्जाम्पल्स आपने देखे एक्रोनिम्स के, पहला लेटर लेकर एक नया शब्द तैयार किया गया. द नेक्स्ट कैटेगरी फ्रेंड्स इज सिनोनिम्स, समानार्थी शब्द. अ वर्ड ऑफ फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड ऑफ फ्रेज इन द सेम लैंग्वेज. SUN सन मीन्स विथ एंड ओनोमा मीन्स नेम. मतलब ऐसा शब्द जिसके समानार्थी, समान अर्थ वाला दूसरा शब्द, सिनोनिम्स कहते हैं. लेट्स सी सम एग्जांपल्स. इजी मींस सिंपल. डेथ, द सिनोनिम फॉर डेथ इज डिमाइज. फ्रीडम मींस लिबरेशन. ब्रेव, करेजियस. And the last category is antonyms, which means a word opposite in meaning to another word. Anti means against or opposite, and onuma or onoma means name.
ऐसा शब्द जिसका एक विपरीत यानी विरुद्धार्थी शब्द जो होता है उसे एंटोनिम्स कहते हैं। फ्रेश, अपोजिट वर्ड इज स्टेल। ब्यूटिफुल, अगली। शार्प, ब्लंट। वेल्थ मीन्स दौलत एंड पॉवर्टी मीन्स गरीबी। So friends, in today's segment, we discussed the various type of words which we normally use in English, which make English a very rich and flourishing and ever rising, increasing language. I hope you will enjoy this. And till we meet again, please keep watching, keep repeating, keep practicing, because remember, practice has no other substitute. Thank you so much for being with me. See you again in the next video, and please don't forget to like, share, and subscribe to Your English Buddy. Bye bye.